अगर आपने भारतीय रेलवे की कोचेस में से ट्रैवल किया हो और इन कोचेस के अंदर अपने मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज करने की कोशिश की है दिए गए सॉकेट्स में से, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर 110 वोल्ट्स लिखा जाता है जो कि पूरे भारत के स्टैंडर्ड से अलग है। देश में घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर अगर आप देखो तो सॉकेट्स डिजाइन किए जाते हैं 220 वोल्ट के हिसाब से। तो क्यों भारतीय रेलवे पूरे देश के स्टैंडर्ड से अलग तरीकों के सॉकेट्स और लाइटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करती है? कृपया ध्यान दीजिए, रेल बॉय आयुष एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर यूट्यूब पर आ चुकी है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंडियन रेलवे हमेशा से एसी करंट पे नहीं चलती थी। पहले 1925 के काल से देश में डीसी वोल्टेज से ट्रेन चला करती थी इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पर, जो पहले 1000 वोल्ट था, फिर 1500 किया गया और लेट में 3000 वोल्ट डीसी तक कन्वर्ट किया गया था। लेकिन आजकल जो ऑलमोस्ट सारी लाइन्स है वो एसी करंट पे चलती है, जहाँ पर 25 किलो वोल्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। इसके वजह से इस वोल्टेज को नीचे लाने की तो जरूरत है ही, और ज्यादातर किया ये जाता है कि बैटरीज इस बिजली को स्टोर करते हैं कन्वर्ट करने के बाद में, जो बाद में कोचेस को पावर अप करने के टाइम इस्तेमाल किया जाता है। अगर ट्रेन चल नहीं रही है, एक जगह पे रुकी हुई है, उस समय पर भी पंखे ट्यूबलाइट चलना जरूरी है, तो उस समय पर इन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए रेलवे 24 वोल्ट का सिस्टम इस्तेमाल किया करती थी कोचेस के अंदर। अब ये 24 वोल्ट इसलिए इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि उस समय पर जो इन्वर्टर्स थे और एयर कंडीशन सिस्टम स्टैंडर्ड मिलते थे वो 24 वोल्ट पे ही चलते थे, और इसलिए 24 का ही स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने मेंटेन करना शुरू किया। लेकिन एक दिक्कत थी 24 वोल्ट के स्टैंडर्ड के साथ में, क्योंकि 24 वोल्ट कंपैरेटिवली बहुत कम वोल्टेज है, तो जो करंट नेसेसरी है इन पंखे ट्यूबलाइट्स को चलाने के लिए, उसके लिए ज्यादा अमाउंट में करंट की जरूरत थी और करंट ज्यादा पहुंचाने के लिए मोटे वायर्स की जरूरत थी। अगर आप बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझते हो तो जब भी किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में करंट को पहुंचाना है और अगर वोल्टेज कम है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी, बेसिकली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसके वजह से रेलवे को जरूरत पड़ती थी ज्यादा मोटी वायरिंग इस्तेमाल करने के लिए, ताकि करंट अगर ज्यादा भेजा भी जाए तो वायर गर्म ना हो, सेफली कोचेस ऑपरेट की जा सके। लेकिन इसकी वजह से रेलवे की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए रेलवे ने डिसाइड किया कि इन मोटे वायर्स के इस्तेमाल करने के बदले हम वोल्टेज को ही बढ़ा देते हैं, और इसलिए 110 वोल्ट का स्टैंडर्ड रेलवे ने डिसाइड किया ताकि वायरिंग की कॉस्ट बच सके। लेकिन एक इससे भी ज्यादा बड़ी समस्या थी जो कि रेलवे को 110 वोल्ट चूज करने पर मजबूर करता था कंपेयर टू 220 वोल्ट, क्योंकि अगर वो 110 तक स्टेप अप कर सकते तो 220 भी उनके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। वो ये था कि जनरली जब ये सब काम हो रहा था उस समय पर देश के रूरल एरियाज के अंदर और ऐसे एरियाज के अंदर जहां पर बिजली की समस्या थी और गरीबी भी थी, वहां पर लोग कोचेस के अंदर से ट्यूबलाइट्स, फैंस, बैटरीज इन जैसी चीजें चुरा लेते थे। और इनफैक्ट ये जो 24 वोल्ट की बैटरीज उस समय पर कोचेस के अंदर इस्तेमाल होती थी, ये वही बैटरीज थी जो ट्रक्स, ट्रैक्टर्स इन जैसे कई सारे व्हीकल्स में भी इस्तेमाल होती थी, जिसके वजह से इनको चोरी करने की वजह से जो मार्केट था इनको बेचने के लिए वो बहुत ज्यादा बड़ा था। और कुछ कुछ सेक्शन ऐसे थे देश के जहां पर ये समस्या रेलवे को बहुत नुकसान दिला रही थी। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 220 वोल्ट का स्टैंडर्ड पे अगर चीजें बनाई जाए तो लोग उनका डायरेक्टली इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे चोरी करने के बाद में, क्योंकि उनको कुछ ज्यादा डिफरेंस करने की जरूरत नहीं, वो सीधे प्लग भी कर देते घर पे जाके तो वो चीजें चलनी शुरू होगी। लेकिन अगर 110 वोल्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए जाए तो कुछ सोफिस्टिकेटेड कॉन्ट्रैप्शंस की जरूरत पड़ेगी इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए, जो कि इनको काइंड ऑफ अनअफोर्डेबल बना देगी, अनकंपेटिटिव बना देगी चोरी के मार्केट के अंदर। और इसके लिए रेलवे ने डिसाइड किया कि वो बनाएंगे 110 वोल्ट का सिस्टम। तो सिंपली अगर कंक्लूजन में कहे तो रेलवे ने दो चीजों की वजह से 110 को चुना। पहली बात, जो पहले वाला वोल्टेज था वो ज्यादा मोटी वायरिंग डिमांड करता था जो कि कॉस्ट को बढ़ाता था, तो वहां पर रेलवे ने चेंज करने के बाद में बिजली के कनेक्शंस बनाने में वायरिंग के अंदर पैसे बचाए। और दूसरे रीजन ये था कि जो चोरियां होती थी वहां पर पैसे बचने लगे, क्योंकि वहां के जो आइटम्स रेलवे के अंदर लगते थे वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो सकते थे नॉर्मल कंडीशन के अंदर। और उम्मीद करता हूं ये क्विक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके पास कोई सजेशन है टॉपिक के लिए तो आप कमेंट से मुझे बता सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।